हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और रेलवे और जो एचएसएससी हरियाणा के भी एग्ज़ाम हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से ज़रूर उठाए जाते हैं। और जिनका नंबर सिस्टम अगर क्लियर है तो लगभग मैथ क्लियर हो जाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें होती हैं जो समझने योग्य बातें होती हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका जो मैथ है क्लियर ही हो जाता है। तो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे भी पॉइंट हैं वो भी बताऊंगा, और जो मेन है जैसे हमारा प्राइम फैक्टर है, यूनिट प्लेस है, रिमाइंडर है, अच्छे पेनल्टी में एडिशन नंबर है, ये मैं टॉपिक वाइज डालता रहूँगा। तो आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? प्राइम फैक्टर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक में भी आता है और टफ में भी आता है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूँ, 3, 4, 5, 8, भाई मैंने पूछ लिया भाई ऐसे कौन से हैं नंबर जिनके हम अभाज्य गुणनखंड नहीं बना सकते, तो वो सिर्फ हमारा 3 होगा 5 होगा, यानी कि वो संख्या जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों, क्या हम 3 के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं 4 लेता हूँ तो इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, ठीक है, ये होता हमारा प्राइम फैक्टर, यानी कि 4 के क्या बनेंगे हमारे 2 गुणा में 2। अगर हम 8 के करना चाहें तो 8 के क्या बनेंगे हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जो भी संख्या दी होगी उसको हमने प्राइम फैक्टर बनाना है। अब बात है भाई इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी क्वेश्चन ही हमें पता होना चाहिए कैसे आता है। जैसे चार के 4 गुणा में 5 की 9 गुणा में 6 की 3, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई। 4 की 4, 5 की 9, 6 की 3, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आगे जाने से पहले हम कुछ और बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं तो अभी बताया था भाई 4 के कितने बनेंगे 2 गुणा में 2, ठीक है। पहला तरीका अगर आप नॉर्मल बेसिक वैसे करना चाहते हो 2 गुणा में 2 इसके हो गए, 5 के हम कोई कर ही नहीं सकते, 6 के क्या बनेंगे हमारे 2 गुणा में 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 दूनी 4, अगर किसी को ये चीज़ ना करनी आती हो तो ये करो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, इसके बना दिए हमने 2 गुणा में 2, इसका क्या बनेगा, हमने 5 गुणा 1 नहीं लेना है, जो भी हमारी अभाज्य है हमें अभाज्य तक ही लेनी है, अभाज्य संख्या बनानी है, ये भी 2 अभाज्य, ये भी 2 अभाज्य और ये 5 खुद अभाज्य है, ठीक है। आप लोगों को पता है भाई सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है, ठीक है, कईयों को 1 लगता है, ठीक है, वो नहीं होते, ये जो 1 है ये पहली विषम संख्या है, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 भी 1 अभाज्य, 2 भी 1 अभाज्य, 5 भी अभाज्य, आगे 6 है, ये 1 भाज्य है, इसको भी हमने अभाज्य बनाना है, तो इसके जो टुकड़े बनेंगे 2 गुणा में 3, तो 2 गुणा 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसान है, ध्यान समझना, ये चीज़ बनेगी हमारी सभी अभाज्य बनेगी, 2 दुनी 4 होता है, 5 ही हो गया, 2 3 6 ही होता है। अब आगे जो इनकी पावर होती है, जो इनकी पावर होती है हम इसी में लिख लेंगे, 2 की भी 4 इसकी भी 4, क्योंकि ये टुकड़े किए थे हमने, एक ही घर में से आ रहे हैं लेकिन शक्ति तो उतनी है उनमें, 5 की 9 और ये आ गया 3 की 3, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, हमें ऊपर वाले जो है जोड़ने पड़ेंगे,
यहाँ पर मैंने जोड़ दिए 4 4 8 और 9 17 और 3 20 और 3 23, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसको और छोटे तरीके से करना चाहते हो तो ये क्या होंगे, हमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। अभी 2 दूनी 4, इन दो टुकड़े हैं, 2 गुणा में 4 8, इसका कोई टुकड़ा नहीं है तो सीधा ये क्या है, 9 है, हम 9 जोड़ देंगे। इसके कितने हैं, 2 गुणा में 3, यानी कि इसके दो टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े हैं तो यानी कि 3, यहाँ पर 2 3 6, 9 8 9 और 8 17 और 6 23, बिल्कुल आसान। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर पूछ लिया जाए 11 की पावर 11, 13 की पावर 2, 16 की पावर 5, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो हमने इसको जो ऊपर वाले हैं इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन करने से पहले भूल जाओ। हमने पहला काम क्या करना होता है कि हमने इनको सभी को अभाज्य बनाना है, नीचे वालों को। क्या ये खुद एक अभाज्य है? संख्या कितनी है इसमें? एक ही है, एक अभाज्य है इसमें, एक ही अभाज्य है, एक अभाज्य इसमें बनानी पड़ेगी हमने। ठीक है, कैसे बनाओगे? एक तो तरीका आपका ये, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, कितने बने? 1 2 3 4, कितने बने? 4। अब इस 4 की यानी इनकी सभी की पावर कितनी है? 5 गुणा में 5, ये एक ही था भाई जो खुद ये था, तो इसकी कितनी है? 2 गुणा में 2, इसकी गुणा में 11, तो कितने हो गए? ये 11, ये 2 और ये 20, 20 और 2 22 और 11 33, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। या फिर आप क्या करोगे, इसको ये 11 खुद एक है, 11 की 11, यहाँ पर 13 है, 13 की 2, क्योंकि अब इसके टुकड़े कर नहीं सकते गुणा में, इसकी क्या करेंगे भाई, एक तो मैंने कर दिया 4 गुणा में 4, फिर आगे हो गया 2 गुणा में 2। ठीक है, या फिर इसके बनाएंगे हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और इसकी कितनी है? 5 5 5 5, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, 11 और 2 13, 13 और 20 33, कैसे कर लो, आंसर आपका सामने। चलिए एक और करके दिखाते हैं। जैसे 10 की पावर 10 गुणा में 9 की पावर 9 गुणा में 25 की पावर 5, भाई इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो 10 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा में 5, क्या हम 5 के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 2 के कर सकते हैं? नहीं, तो इनकी पावर कितनी है? 10 इसकी है और 10 इसकी है, साइन गुणा 9, क्या ये एक अभाज्य है? नहीं है, ये क्या है? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, इसके भी 9 है, इसके भी 9 है, गुणा में ये क्या होता है? 5 गुणा में 5, इसकी भी 5 है और इसकी 5, सभी को जोड़ दो ऊपर वाले को, जोड़ोगे कितना आएगा? 20 18 38 और 10 48, इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये था भाई आपका अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर। तो इसको जितना हो सके रिपीट करके देखना, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।